व्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में। तो आपका काफ़ी सारे मुझे ईमेल्स आता रहता है और इंक्वायरीज आता रहता है, कमेंट्स में आप लिखते रहते हो सर एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करें। तो मैंने मेरा पुराना वीडियोस में ही मैं काफ़ी सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल्स में बता चुका हूँ एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में आप जैसे कि आप अलग अलग कंट्री में, जो अगर आपके पास बजट है, अलग अलग कंट्री में आप पर्सनली जाकर कंपनी को मिल सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, अलग अलग कंपनी, अलग अलग शॉप्स, वेयर हाउसेस, तो वहाँ का लोगों को, वहाँ का की पर्सन को मिल सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो अलग अलग, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में बिजनेस होता था, वैसे ही आप अलग अलग कंट्री, जो आपका टारगेटेड कंट्री है, उस देश को ट्रैवल करके आप बिजनेस ला सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास बजट है तो आप एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करते हो, ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो उस प्रोडक्ट का कौन से देश में, कौन सा महीना में एक्सपो होने वाला है। एक्सपो यानी एग्जीबिशन होने वाला है, तो एग्जीबिशन में जाकर अटेंड कर लीजिए, आइदर एज ए विजिटर और एज ए पार्टिसिपेंट। जैसा अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और आपका आ जाएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप गूगल सर्च, गूगल एड, SEO मार्केटिंग जो होता है, गूगल सर्च, गूगल एड मार्केटिंग कर सकते हो, पेड मार्केटिंग, और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा अगर आप दूसरे कंट्री ट्रैवल नहीं कर पाते हो और आपका बजट हर महीना एक महीने में 40,000-50,000 आप एक्सपेंस उसका कर सकते हो, पेड कर सकते हो, पेड मार्केटिंग करने के लिए 40,000-50,000, जैसे कि फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, गूगल में, ऐसे मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हो, तो आपको 101% ऑनलाइन में एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो पहले आपको वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट प्रोफाइल वगैरह बना के आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर सकते हो। और एक आता है ब्लॉग्स राइटिंग, न्यूज राइटिंग। ब्लॉग्स राइटिंग, न्यूज राइटिंग क्या है, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप अलग अलग मैगजीन होता है, बिजनेस मैगजीन होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैगजीन होता है, ट्रेड मैगजीन होता है, उसमें आप आपका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आपका ब्लॉग्स राइटिंग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। सो उसमें क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल आप कपड़े, आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो गारमेंट्स के आपका ब्रांड के बारे में, आपका कंपनी के बारे में, आपका कंपनी कब से गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम क्या है, कितना एक्सपोर्ट कर पाते हो, फैक्ट्री कहाँ है, ये कंपनी को कौन स्टार्ट किया था, तो पूरे डिटेल्स में जो राइटर्स रहेंगे आपका कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखेंगे, वीडियोस बनाएंगे, वीडियो बना के ऑनलाइन में जो न्यूज़पेपर्स आता है, ब्लॉग्स आता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे। करने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट को, आपका राइटिंग को, आपका राइट जो पब्लिश होगा, आपका आर्टिकल, आपका ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश होगा, तो ग्लोबली इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, आपका जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो पढ़ते रहते हैं ट्रेड मैगजीन, तो उनको मालूम पड़ेगा आपका कंपनी के बारे में, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कोई भी न्यूज़पेपर में ग्लोबली, जितने सारे मैंने वीडियोस बना चुका हूँ, मैं हर एक देश का अलग अलग न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, आर्टिकल के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप अलग अलग कंट्री को, जैसे कि आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करोगे, कनाडा को एक्सपोर्ट करोगे, यूके को एक्सपोर्ट करोगे, तो आप अलग अलग कंट्री में जाकर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक एक ब्लॉग्स के लिए आपको 50,000-1,00,000 रुपये चार्ज करेंगे। जैसे आपको बता दें, BBC.com हो गया, CNN.com हो गया, FoxNews.com हो गया, गार्डियन है, तो ग्लोबल जो बड़े बड़े साइट है, ग्लोबल साइट है, न्यूज़ साइट्स है, उसमें एक आर्टिकल वो लिख के पब्लिश करेंगे, आपसे 50,000-1,00,000 रुपया चार्ज कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका रीडर्स जो होते हैं, व्यूअर्स, रीडर्स होते हैं, मिलियंस के हिसाब से होते हैं, तो उसमें आपको बिजनेस मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारा कंपनी का बहुत सारे ये है, आपका जो ब्लॉग्स है एंड न्यूज़ साइट्स है, trademyproduct.net है, आपका iitvn.com है, एंड woojob.com है, ऐसे बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़पेपर है, ग्लोबल ब्लॉग साइट्स है। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो मैगजीन है ये पढ़ते रहिए, इसमें ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर आर्टिकल्स, न्यूज़ प्रिंट होता रहता है, पब्लिश होता रहता है, और मैं जितने सारे वीडियोज़ मैंने बना रहा हूँ इस चैनल में, मैं इसी
हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो ब्लॉग साइट है, हमारा जो आर्टिकल का साइट है, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसमें मैं लिखते रहता हूँ, तो ये भी आप पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसमें ज़्यादा अगर आप ईयरली जाओगे, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे, तो हर महीना दो दो आर्टिकल्स, दो दो आर्टिकल्स या दो दो न्यूज़ आपका कंपनी के बारे में लिखा जाएगा और पब्लिश होगा, और इसमें मिलियंस के हिसाब से ग्लोबली अलग अलग देशों से लोग पढ़ते हैं। तो आप ये जब आपके पास टाइम है, आप जब www.trademyproduct.net, www.iitbn.com एंड www.woojob.com, ये जो है तीन साइट है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें ग्लोबली बिजनेस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ वगैरह पब्लिश होता रहता है। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब आपके पास समय है आप ये पढ़ते रहिए, और मेरा लिखा हुआ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह इसमें भी पब्लिश होता रहता है। मैं जितने सारे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा लिखा हुआ पब्लिकेशन इन्हीं साइड में आता है। तो आप, मैंने जितने सारे वीडियोस बनाया है, पहले बना चुका हूँ, तो उनका जो जितने सारे ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस के बारे में मैंने जिक्र किया है पहले, तो उनका भी लिस्ट करके इस वेबसाइट में आता रहता है। तो अगर आपके पास समय है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इन्हीं हमारे जो तीन साइट, फिलहाल तीन साइट आपको बताया मैंने, ये तीन साइट को आप खोल के आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप में, आपका कंप्यूटर में ये ओपन करके पढ़ते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आएगा। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना चाहते हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो हमारा जो ये तीन साइट बता दिया, तीन ग्लोबल साइट है, इसमें trademyproducts.net है, उसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में काफ़ी सारे पब्लिकेशन आते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो इस साइट ओपन कर लीजिए, उसका नीचे जाकर एडवर्टाइज विथ अस खोल कर देखिए, उसका प्राइसिंग लिखा हुआ है, एक वन टाइम कितना प्राइस रहेगा, अगर ईयरली आप पब्लिक करोगे आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो कितना पैसा रहेगा। तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंपनी हमारा ट्रेड पोर्टल में, ट्रेड साइट में रजिस्टर करके, पेमेंट करके बहुत सारे पब्लिश करते रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एक्सपोर्ट कंपनी, बहुत सारे इम्पोर्ट कंपनी, बहुत सारे फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पब्लिश करते रहते हैं। तो इसमें ईयरली जाओगे तो ज़्यादा पैसा नहीं है। ईयरली में क्या है, हर महीना में दो दो बार पब्लिकेशन आएगा, पब्लिश होगा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, हर महीने में दो दो बार आए पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स, बायर्स, इम्पोर्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और हर पब्लिश में जितने सारे पब्लिश होगा एक एक पेज में, तो पेज के लास्ट में आपका बिजनेस कार्ड ऐड कर देंगे। बिजनेस कार्ड ऐड करने के बाद क्या होगा, जो पब्लिकेशन, जो आर्टिकल, ब्लॉग आपके कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको नीचे पेज के नीचे आपका बिजनेस कार्ड ऐड हुआ उनको दिखाई देगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने के लिए तो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा वन टाइम लोगे तो कितना पैसा है, और ईयरली जाओगे तो 24 टाइम्स पब्लिश करोगे तो कितना पैसा है, इस साइट का एडवर्टाइज विथ अस पेज क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें आप ईयरली जाइए, थोड़ा पैसा खर्चा करिए, तो आपको ज़रूर 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।